बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के बुर्ज खलीफा। चलो दोस्तों घूम के आते हैं बुर्ज खलीफा। वाह देखो सेंटर में जब मैं देखता हूँ तब भी क्या लगता है यार, शहर तो नहीं, जैसे कि सोने से बना कुछ चीज़ है। बहुत इसके पास जाना पड़ेगा। इसके पास मतलब कितने पास? इतना काफ़ी है? ओ इतना काफ़ी नहीं है, तो एक काम कर थोड़ा सा और नज़दीक जाते हैं। वाह ये देखो, अरे यार मैं तो बुर्ज खलीफा के अंदर हूँ। तो दोस्तों ये बुर्ज खलीफा के अंदर की व्यू है, मुझे बाहर निकलना है। तो अगर देखना है फुल तो बाहर निकलना पड़ेगा। चलो इससे थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। बुर्ज खलीफा इतना एरिया लेके बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे पास चलते हैं। ओ तेरी, ये तो कोई होटल्स लग रहा है। चलो ओ मैं इसी बात में आपको बता दूँ, होटल के लिंक वगैरह सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप बहुत ही लो प्राइस में बहुत सारे होटल्स बुक कर सकते हो और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरी बात, जाते हैं बुर्ज खलीफा को देखने के लिए मेन स्ट्रीट रोड पे। अब ये क्या है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, तो बिना पासपोर्ट और वीज़ा के बुर्ज खलीफा के कितने पास आ सकते? देखो थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ बुर्ज खलीफा से, थोड़ा सा और दूर चला जाता हूँ। दोस्तों होप आप सब ने बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे और यहाँ से मैं वापस भी जा सकता हूँ थोड़ा दूर जाने के बाद। देखो रोड और यहाँ की सारे जगह बहुत बहुत ही हसीन है, और सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा के आसपास जितने भी टाउन हैं, जितने भी जितना भी जगह है सब कुछ। और सबसे बढ़िया बात दुबई में ये जो फ्रेशनेस है ना, रोड हर जगह पे जितना भी हरियाली है, जितना भी सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल है। और देखो दूर से बुर्ज खलीफा कितना ब्यूटीफुल लगता है। वाह नाइस। तो फिलहाल इतना ही, और इसी टाइप की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना नेक्स्ट कौन सी जगह आप जाना चाहते हो बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, मैं आपको ले चलूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके।